जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर वृश्चिक राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए पहले चंद्रमा के गोचर की बात कर लेते हैं। चंद्रमा के गोचर की बात करें तो चंद्रमा का गोचर 21 और 22 अप्रैल को धनु राशि में होगा। धनु राशि वृश्चिक राशि वालों का दूसरा भाव है। दूसरा भाव बाड़ी का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है। तो धन के मामले में थोड़े से अप एंड डाउन दिखा सकते हैं। वैसे चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा के भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य का साथ आपको वहाँ पर मिलेगा और आपके बाड़ी आपकी मधुर रहेगी और परिवार के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन धन के मामले में थोड़ा सा आपको हानि और लाभ दोनों प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं और थोड़ा तनाव हो सकता है आपके मन में। और अपने जीवन साथी के और अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना होगा। और वैसे धन के लिए अच्छा ही रहेगा, दूसरे भाव में गोचर है। शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरह के परिणाम 21 और 22 अप्रैल को चंद्रमा के गोचर के देखने को मिलेंगे वृश्चिक राशि वालों को। 23 और 24 अप्रैल की बात कर लेते हैं। मकर राशि है, तीसरा भाव है, चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा 23 और 24 अप्रैल को, और तीसरे भाव में गोचर होगा और तीसरे भाव में ही शनि का गोचर भी है, जो कि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी भी हैं। तो तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन शनि के साथ में गोचर है, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं। वैसे धन लाभ होगा आपको, धन के मामले में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी खर्चे आपके होंगे तो 23 और 24 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं, मित्रों से संबंध अच्छे रखने हैं। अब बाकी भाग्य भाव के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है। मित्रों का साथ आपके सुख की वृद्धि करेगा, ऊर्जा उत्साह से भरपूर रहेंगे और मित्रों तथा छोटे भाई बहनों से कोई लाभ भी मिल सकता है आपको। छोटी या बड़ी यात्रा आप प्लान कर सकते हैं या यात्रा पर जा सकते हैं। तो इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे चंद्रमा के गोचर के 23 और 24 अप्रैल को। चलिए मित्रों बात कर लेते हैं 25 और 26 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। 25 और 26 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो कि वृश्चिक राशि वालों का चौथा भाव होगा। चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और चौथे भाव के स्वामी तीसरे भाव में हैं। हालांकि वो चौथे भाव के स्वामी भी हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। थोड़ा सा आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है, व्यर्थ की बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में कोई विवाद ना खड़ा हो, इस बात का ध्यान आपको 25 और 26 अप्रैल को लेकर चलना होगा। परिवार में बातचीत को लेकर अगर छोटी मोटी कोई भी बातें हो जाती हैं तो आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध में आप अपना काम ना बिगाड़ लें। हालांकि पैतृक संपत्ति से चंद्रमा वहां पर आपको लाभ दिला सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिलने का चांस आपका है तो वो इस समय पूरा हो सकता है। तो इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं 25 और 26 अप्रैल को। थोड़ा सा आपको माता से भी वाद विवाद से बचना है, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है। तो 25 और 26 अप्रैल को वैसे चंद्रमा के गोचर के परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। 27, 28 और 29 अप्रैल को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी का गोचर पंचम भाव में होगा, गुरु के साथ होगा, तो गुरु के साथ गोचर होगा 27, 28 और 29 अप्रैल को मीन राशि में। तो वहां पर पंचम भाव में आपके गज के श्री योग का निर्माण करेंगे इन तीन दिनों के लिए, 27, 28 और 29 अप्रैल के लिए। तो 27, 28 और 29 अप्रैल को चंद्रमा के गोचर के पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत तनाव वगैरह हो सकता है,
पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, आलस हो सकता है, इसके चलते थोड़ा निराश हो सकते हैं आप। बाकी अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे 27, 28 और 29 अप्रैल को। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है, शिक्षा का भाव है, शिक्षा में आपका काफ़ी मन लगेगा और इन 3 दिनों में आप अच्छी मेहनत करेंगे और आपको उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुदेव भी हैं जो कि दूसरे भाव और पाँचवें भाव के स्वामी हैं। पंचमेश का गोचर पंचम भाव में है और वहीं पर आपके चंद्रमा का गोचर होगा, तो गुरु और चंद्रमा की युति होगी, तो ये युति आपको काफ़ी लाभ देगी। धन व्यापार कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे, प्रेमी प्रेमिका से संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 27, 28 और 29 अप्रैल को। अगर आपका कोई व्यापार कारोबार शिक्षा से रिलेटेड है या आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा क्षेत्र से, धर्म के क्षेत्र से, धार्मिक कार्य कोई करते हैं, आध्यात्मिक कार्य कोई करते हैं, धर्म कर्म के कामों से आप पैसे कमाते हैं, तो इन सब जगहों पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, चाहे आपके प्रेम संबंध हों, चाहे वैवाहिक संबंध हों, चाहे व्यापार कारोबार हो, नौकरी हो, और शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो फिर तो आपके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 27, 28 और 29 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके मेष राशि में होगा, छठे भाव में होगा। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, छठे भाव में राहु का गोचर पहले से है और छठे भाव में राहु का गोचर भी बढ़िया परिणाम देता है और चंद्रमा का गोचर भी अच्छे परिणाम देता है। हालांकि चंद्रमा राहु के साथ में होंगे, केतु की दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा आपको तनाव निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो रोग मुक्ति भी दे सकते हैं। अगर कोई बड़ी गंभीर समस्या पहले से चल रही है तो उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। अगर कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या है तो वो 30 अप्रैल के दिन आपको आरोग्य लाभ मिलेगा, यानी वो ठीक हो सकती है। साहस बहुत बढ़ा रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, पराक्रम बढ़ा रहेगा। धन के मामले में जितने भी कार्य आपके 30 अप्रैल को होने हैं उसके लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी, धन की कोई कमी आपको 30 अप्रैल को नहीं पड़ने वाली। तो 30 अप्रैल को धन के मामले में अगर आपके उस दिन के कोई कार्य हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो अगर आप किसी से उधार मांगेंगे तो वो भी आपको उस दिन मिल सकता है। यानी 30 अप्रैल को धन के मामले में सारे कार्य आपके पूरे होते हुए दिखेंगे और ऋण रोग शत्रु का भाव है तो शत्रु बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएंगे इस समय पर आप पर, और रोग में आपको आराम मिलेगा। और कर्ज लेन देन में भी अगर देना चाहेंगे तो दे भी सकते हैं, लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, इस समय ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा 30 अप्रैल को वृश्चिक राशि वालों को। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस हफ्ते आपको स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी ये सलाह है कि आप मांस मदिरा वगैरह का सेवन अगर करते हैं तो ना करें। पर इस समय पर आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर ये सलाह है कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु भी आपके 12वें भाव में गोचर में है, इससे आपको फिर पेट से संबंधित कोई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया है और आपने सोचा है कि अब उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप अपनी सभी आशाएं छोड़ चुके हैं, उस निवेश को चेक करें, वहां से आपको धन लाभ होता हुआ दिख सकता है इस समय पर। और इस समय पर आपको अपनी वाणी में थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार कारोबार में बेकार की छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए इस नकारात्मकता से बचने के लिए, अपनी छवि को ना नुकसान पहुंचे, इसके लिए आप अपनी वाणी पर जरूर संयम रखें। और आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सहकर्मियों का साथ मिलेगा इस समय पर। और इस समय पर आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए थोड़ा सा सकारात्मक बातें सोचें। और जो छात्र हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा, पर अगर आप कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेहनत तो कर पाएंगे लेकिन आपके मन में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा, इसलिए आप मेडिटेशन वगैरह करें, यानी ध्यान करें, और ध्यान का सहारा लेकर अपने मन को एकाग्र करें और नकारात्मकता को दूर करें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो इस समय आपको कंपटीशन एग्जाम में भी लाभ होता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह के कुछ परिणाम मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को। चलिए मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी मंगल हैं, तो मंगलवार के दिन आप बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं और उसको खुद भी ग्रहण करें और उसे लोगों में बांट दें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, रोजाना करें, रोजाना ना कर सकें तो मंगलवार और शनिवार को जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।